नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। चावल की लेवी में बड़े पैमाने पर हो रहा है घोटाला। हाल ही में गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील के तहत आने वाले सरकारी राइस मिल द्वारा 50,000 क्विंटल धान गायब का मामला जोरों पर है, जिसकी जाँच अभी पूरी भी होनी बाकी है। और इसी के चलते चावल की लेवी का मामले में अधिकारी के हाथ भ्रष्टाचार से रंगे हुए हैं, जिसमें खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी सवाई पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। शक्ति राइस मिल के मालिक बबलू लिहारे इनके हाल ही में 150 लोड चावल के इनके पटाए जाने की जानकारी मिलते ही एमएनएस न्यूज चैनल की टीम हरकत में आई, जिसके चलते खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी सवैये से संपर्क किया गया। वो भी मामले को तालमताल रवैयों को अपना रहे थे, जिसके चलते चैनल की टीम पहुंची बमलेश्वरी गोदाम पर, जहां खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से मिलर्स को मिलिंग के लिए दिया गया धान का चावल जमा किया जा रहा था। चैनल की टीम ने पड़ताल की तो पता चला जो यह चावल मिलर्स से ले रहे हैं उस गुणवत्ता की जांच यहां का मेश्राम क्लर्क कर रहा है। दिन में लगभग 100 से 12 लोड प्रतिदिन यह क्लर्क पास करता है। दर्शकों को हम बता दें कि एक लोड में 430 चावल की बोरियां मिलर्स के ओर से जमा की जाती है और जिसके गुणवत्ता की जाँच खाद्य आपूर्ति विभाग का बाबू कर रहा है। हम लोग इस वक्त मौजूद है नेहरू सहकार भातगिरनी का, जो भाड़े पे लिया हुआ गोडाउन है जय बमलेश्वरी वाले की तरफ से। और इस जगह हम अभी जो गोंदिया ज़िले के यानी गोंदिया तहसील में जो राइस मिलर्स ने जो धान लिया था TDC का, आदिवासी विकास महामंडल का, तो वो धान को उन्होंने मिलिंग किया हुआ है, उसको पिसाई किए हैं और वो अभी गवर्नमेंट के गोडाउन में कैसे जमा करते हैं, वो चावल की गुणवत्ता, वो चावल कैसे खाने योग्य है या नहीं है, वो जो लॉट पटाते हैं वो लॉटों के बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कमलेश मेश्राम, जो कि जूनियर क्लर्क है, और वो अभी हमें चावल का किस तरीके से उसकी गुणवत्ता की जांच होती है इस बारे में हमें अभी बताएंगे। कमलेश जी बताइए, मेरा बॉस से एक बार बात कर लेता, अगर बोलेंगे तो बोलेंगे, कोई इशू नहीं। आप ऑफ कैमरा भी पूछ सकते हैं ना, जो भी है। नहीं बराबर है, आप दिखाइए। आपका चावल ले रहे हैं, ये चावल कैसा है? ये जो चावल है ये चावल कंट्रोल में जाता है। कंट्रोल में जाने के बाद यानी राशन दुकान में जाता है, राशन दुकान वाले ये चावल को जनता तक के पहुंचाते हैं। यानी आप जो चावल ले रहे हैं आपकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका है, कि आप अगर ख़राब क्वालिटी का चावल लोगे तो जनता को वो ख़राब चावल मिलेगा। तो यहाँ गुणवत्ता यानी यहाँ जो आपका जो काम है यह उसकी गुणवत्ता जाँच हो रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो गई है। तो ये जिम्मेवारी में आप कैसे उसका यानी विश्लेषण करते हैं कि ये लॉट उनका सही है या गलत है, तो इस बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को भी बताइए कैसे क्या बोलिए। मैं बोल दूंगा, अपने बॉस से बात कर लूंगा, मैं बोल दूंगा, मैं कैसा है, मैं जो है वो बोल दूंगा, मैं तो कर ही रहा हूँ एनालिसिस। पर कैसा इंटरव्यू देने का, नहीं कैसा बॉस कैसा है सर, की रिस्ट्रिक्शन है हमारे भी कुछ? कैसे रिस्ट्रिक्शन है, आपने बॉस ने क्या बोल के रखा है? नहीं हमको हमारे बॉस ने कुछ बोला नहीं है, पर कैसे देखिए आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने एक जिम्मेदारी ली हुई है, आप सरकारी कर्मचारी है, आपने जिम्मेदारी ली हुई है, आपके बॉस ने बताया, आपको उसका ट्रेनिंग दिया गया है, और साथों साथ आपने जब ये जिम्मेदारी ली है और आप एनालिसिस कर रहे हैं हमारे, तो ऑन कैमरा भी बताइए हमें, कोई दिक्कत थोड़ी गए उसमें भाई। आप जो काम कर रहे हैं आप गलत काम तो नहीं कर रहे हैं आप भाई, आपको जो सही लग रहा है कैसे उसकी गुणवत्ता जांच रहे हैं, क्या जांच रहे हैं, इसी बारे में हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप गलत लॉट ले रहे हैं या गलत आप काम कर रहे हैं करके। आप जो काम कर रहे हैं आपके टेबल पर अभी जो काम है वही काम हम पूछ रहे हैं आपको। देखिए टीवी पर आना ये सबके लिए भाग्य की बात होती है और आपके लिए भी भाग्य की बात है ये। बताइए कैसे करते हैं, यानी पहले आप जैसा भी ये जो है लिया हुआ इनको कैसे क्या किया आपने, कितना मटेरियल निकाला उनमें से, कितने बोरिया चावल आता है एक लॉट में? 540 कट्टा आपका एक लॉट में आता है, उसको फिर कैसे क्या करते हैं आप, उसमें से कितना चावल निकालते हैं? मैं बहुत पत कर लूँ मेरे बॉस से, पर मैं अगर मेरे को मैं थोड़ा डर रहा हूँ एक्चुअली। डरिए मत, आप डरिए मत, एकदम टीवी पे ले जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम है, गलत काम है क्या आपका? आपको सिर्फ ये एनालिसिस को बताना है, आपको घबराने की गरज नहीं है, हम आपका कोई गलत इंटरव्यू नहीं ले रहे या हमारा कोई इंटेंशन गलत नहीं है। हम चाहते हैं कि जो जनता तक के चावल पहुंच रहा है
वो चावल की गुणवत्ता का आपके तरफ जिम्मा दिया गया है और यहाँ से वो चावल जनता को राशन दुकान के माध्यम से पहुँचेगा, तो वो उनको सही चावल जा रहा है या नहीं जा रहा है, बेचारे क्या खा रहे हैं, वो यानी पुराना चावल तो नहीं खा रहे या ख़राब तो चावल नहीं खा रहे जिससे उनको फूड पॉइजनिंग तो नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो काम है, ये देखिए ये काम अभी आपको गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, इसी काम का आप जो विश्लेषण कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं ये सिर्फ चाहिए हमको, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे उल्टा सीधा तो सवाल कर नहीं रहे हैं हम भाई। ये राइस मिलर को गवर्नमेंट ने धान दिया, धान देने के एवज में उसको मिलिंग का पैसा दिया, जो राइस मिलर्स होता है उसको मिलिंग कर उसको यहाँ जमा करने का ये दिया, उसने मिलिंग ने जमा करने के बाद वो उसकी गुणवत्ता सही है या नहीं है ये आपकी जिम्मेदारी है, तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं। बताइए क्या है, तो कुछ नहीं होता, बताइए कैसे क्या करते हैं। नहीं, सैंपल तो आपके आगे है, आप इधर कैमरा घुमाइए। ये इन्होंने ये कितना सैंपल लेते हैं आप? ये 2 kg रहता है। ये 2 kg के बाद क्या करते हैं आप सैंपल लेने के बाद? ये मशीन देखा, ये सेपरेटर मशीन है ये वाली, इसमें फिर वो चावल को डिवाइडर बोलते हैं इसको, तो इसमें वो मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? चावल लेने के बाद आप क्या करते हैं? ये चावल जैसा वहाँ से भी सेपरेटर से आ गया, अब इसको क्या करेंगे अपन? सेपरेटर से आने के बाद उसका इसको ऐसे ये करते हैं। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, इधर देखो सैंपल लेते हैं, इधर देखो ये सैंपल लिया इसका, फिर ये सैंपल को कैसे तोलते हैं? यहाँ से फिर 20 ग्राम निकलते हैं इसमें, मशीन में 20 ग्राम लेते हैं। अच्छा, 20 ग्राम के बाद क्या करते हैं? 20 ग्राम के बाद में उसमें से ब्रोकन, यानी कौन सा ब्रोकन है? ठंडा, ये वाला, ये अलग निकाला गया है, इसमें से और कुछ निकलेगा पौना दाना वगैरह। अच्छा अच्छा, ये क्या निकाला आपने? ये चौकी है, फिर अच्छा ये डैमेज डिस्कलर, ये डैमेज डिस्कलर वाला है, ये फॉरेन मैटर्स, यानी चावल छोड़ के जो भी है, चावल छोड़ के जो भी है वो अलग से हो गया, और ये साउंड ग्रेड, ये साउंड ग्रेड है। तो अब ये 20 ग्राम में आप डिसाइड करेंगे 500 कितना कट्टा रहता है, 540 कट्टे का 20 ग्राम में आप एनालिसिस करेंगे कि ये अच्छा। इसके बाद और क्या टेस्ट होती है इसमें? तो ये अगर ये कितना परसेंटेज लगता है आपको, यानी इसमें क्या क्या गुणवत्ता देखते हैं आप? ये सब हटने के बाद इसका फिर मोजमाप होता है क्या? 20 ग्राम का जो सैंपल लिया है, हाँ ठीक है, 20 ग्राम में इतना साउंड लिया है, ठीक है, बार बार ये उसमें से ब्रोकन निकलेगा, हाँ, जो 25% अवेलेबल। अच्छा, चौकी, हाँ, वो है 5%, 5% ये डैमेज डिस्कलर, अच्छा 3% 3% 3 ईच। अच्छा, फॉरेन मैटर्स 0.5% यानी ये वाला है, ये कितना 5% रहेगा? 25% ये रहेगा अलावेबल रहेगा, ये 3% रहेगा, 5% रहेगा चौकी, ये 3% रहेगा, ये तीन डैमेज डिस्कलर 0.5, और ये इतना होने के बाद ये कितना परसेंट रहेगा? ये साउंड ग्रेन है, साउंड ग्रेन कितना परसेंट मान लेते हैं? नहीं समझा, यानी जैसा ये उसमें मिक्स अप, ये अच्छा ग्रेन है, ये अच्छा ग्रेन, ये अच्छा, मतलब ये जो लॉट का अच्छा ग्रेन है, ये 20 ग्राम आपने ले लिया, 20 ग्राम आपने चावल निकाला, उसमें से ये 5% पकड़ेंगे, तो ये भी कितना परसेंट हुआ है? इसको कितना परसेंट काउंट करेंगे? 20 ग्राम में से ये 25% अलाउएबल है, अलाउएबल रहेगा 25%। तो अभी ये कितना परसेंट है देखना पड़ेगा, ये देखने के लिए कैसे क्या करते हैं? इसमें से पौना दाना निकालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, वो 1/2 जो रहता है, हाँ, वो ब्रोकन में आता है। अच्छा, वो ब्रोकन में आएगा, वह पौना दाना जो रहता है, हाँ हाँ, वो ब्रोकन में नहीं आता, वो ब्रोकन में नहीं आएगा, तो यहाँ से भी मेरे को छाटना पड़ेगा। अच्छा, और छाटेंगे उसमें, यहाँ से जो निकाला मैंने वो ये है। अच्छा, यहाँ से और छाटूंगा। अच्छा, अच्छा, तो ये इस तरीके की गुणवत्ता की जाँच होगी। अब फिर ये अभी जैसे आपने जाँच कर लिया, इसको फिर कहीं दर्ज कराते हैं आप? काय में दर्ज होता है वो रजिस्टर रहता है, कौन सा रजिस्टर दिखाएंगे हमको? ऑफिस में जाना। तो फिर आप जैसे आज 20 लॉट कितने लॉट लिए आपने? आज तो ये पहला लॉट चालू है अभी मेरा। सुबह से पहला लॉट चालू है? आए नहीं, मैं अभी आया। अच्छा, आप अभी आए हैं, तो अभी आज कितने लॉट हो गए यहाँ? पहला लॉट चालू है अभी। पहला ही लॉट है और आया डम कितना हुआ है? डम कितना हुआ है? 12 लॉट आए हैं आपके पास,
तो आज आपने एक ही लॉट अभी एनालिसिस चल ही रहा है उसका कि ये लेना या नहीं लेना। अच्छा, इसमें अगर ये मान के चले कि ये ज़्यादा निकला, ये 30% निकला और ये भी 5% निकला और ये, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, फिर वो माल हुआ वापस चले जाएगा। अच्छा, इस तरीके से एनालिसिस होगा ये। चलिए ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे को बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों। देखा आपने, जो राशन दुकानों में चावल मिलता है वह किस दर्जे का होता है। जनता के साथ धोखा करने में नेता पीछे नहीं, ठीक इसी प्रकार अधिकारी भी जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। बबलू लिल्हारे के अब तक कई लूट इसी बापू जैसे लोगों पर किए हैं। 4 महीने में 150 लूट सरकारी यंत्रणा लेती है, तो क्या बबलू लिल्हारे की राइस मिल रात दिन रात पर लगी है, यह जांच का विषय है। बिजली विधान से मिल के बिलों की जांच होगी और सच सामने आएगा। देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। We'll be right back.